हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पिछला पार्ट वन वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन बताया था पार्ट वन का, ये पार्ट टू का वीडियो है और इसमें आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको अपने ड्रीम और अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको फ्लाइट करने के लिए, उड़ान भरने के लिए क्या क्या चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहला स्टेप है दोस्तों पासपोर्ट। दोस्तों, अगर आप विदेश का सफ़र करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, फ़्लाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो दोस्तों आज ही अप्लाई कर दें, आपके पासपोर्ट आपके घर 1 से 1.5 महीने में डिस्पैच होकर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी आईडी प्रूफ है। इसके बिना आप अगर आप अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरा चीज़ है दोस्तों कि आपका वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड का 30 फ़ोटो रख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है जो आपको इमेज में दिख रहा है, इसके 2 डॉक्यूमेंट खरीदिए फाइल, और एक डॉक्यूमेंट में फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिए, आपका फ़ोटो, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और दूसरी फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी 2 या 3 सेट, पासपोर्ट, आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर है, पिछली कंपनी का ऑफर लेटर, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसको आप एक जीरोक्स कॉपी फाइल में तैयार कर लीजिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों एक डायरी नोट और एक पेन लाजिम ये चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों पैसा, जिसके लिए हर आदमी आज बेचैन है, परेशान है। आपको अगर जाना है काम कराने के लिए तो सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट 15,000 रुपया होना चाहिए, 1 महीने का खर्चा कम से कम। दोस्तों, पूरा पेमेंट कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है पेमेंट को 2-3 हज़ार रुपये आप पास में रख लीजिए, बाकी अकाउंट में रख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों आपको टिकट लेना पड़ेगा, आपको ट्रेन का टिकट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जाके आपको टिकट आपको बुक करना है मुंबई सिटी के लिए। ठीक है ना दोस्तों, रेलवे ट्रेन का टिकट जो है आपको बुक करना पड़ेगा, आपको मुंबई जाना। दोस्तों, हम सब जानते हैं जैसे मुंबई एक बहुत बड़ी महानगरी है, मुंबई एक टूरिस्ट प्लेस है, एक बहुत बड़ी सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, जिसे हम फाइनेंशियल और कमर्शियल सेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम को, अपने सपनों को अचीव किया है, पूरा किया है इस सिटी में आकर के। मुंबई एक सपनों की नगरी कही जाती है दोस्तों। अगर आप मुंबई नहीं गए हैं तो इसी बहाने आप मुंबई सिटी को भी घूम सकते हैं। ये देखिए मुंबई सिटी का नज़ारा है, नरीमन पॉइंट से है ना, वर्ली नाका से आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको मुंबई जाना, आपको 1 से 2 दिन में आपको मुंबई पहुंच जाएगा ट्रेन से। आपको कहाँ जाना है दोस्तों, सीधा अंधेरी चले जाइए, अंधेरी लोकल स्टेशन, यहाँ जंक्शन भी है, आपको बड़ी लंबी ट्रेन जो बड़ी दूर से आती है वो भी सब रुकती हैं, और लोकल ट्रेनें का भी लोकल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर उतरना है। ठीक है ना, यहाँ पे उतर जाइए, या एक और स्टेशन है जोगेश्वरी, ठीक है, वहाँ पे उतर जाइए। दोनों जगह नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, आप किसी से पूछ लीजिएगा, अगर जानकारी नहीं हो तो कोई भी आदमी से, कोई बुक स्टॉल पे जाके या किसी भी आदमी से चलते हुए राही से आप पूछ सकते हैं कि हमको गेस्ट हाउस में जाना है, लॉज में जाना है, होटल में जाना है, हमको बेड बुक करना है। तो ये रिसेप्शन है दोस्तों, देखिए आप किसी भी होटल में जाइएगा तो आपको रिसेप्शन मिला, यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ देना है, अपना डिटेल देना है, वो आपको बेड और लॉकर दोनों साथ में आपको दे देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हमको बेड ही की ज़रूरत है, रूम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूम काफ़ी महंगे हो जाएंगे। यहाँ आपको 250 से लेकर 1500 रुपये तक का रूम मिलते हैं, 250 रुपये में आपको बेड मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये सारे होटलों में। तो यहाँ पर आपको लॉकर बेड के साथ मिलेगा, जो भी आपका लगेज है उसको आप रखिए, फ्रेश होइए, एक दिन आराम कीजिए, और नेक्स्ट डे जो है आप लोकल स्टेशन की तरफ निकल जाइए, अंधेरी या जोगेश्वरी लोकल स्टेशन पे। वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको आराम से पूरा दिन बैठ सकते हैं, बैठने की सुविधा रहती है, वहाँ पे टी स्टॉल होता है, बुक स्टॉल होता है, किताब की दुकानें होती हैं। किसी भी दुकानों पर जाइएगा, आप बोलिएगा कि हमको जॉब वैकेंसी पेपर चाहिए, इसमें हर तरह का पेपर आपको, जैसे NRI पेपर होगा या फिर असाइनमेंट एब्रॉड न्यूज़पेपर होगा, ये पेपर जो है वीकली दोस्तों पब्लिश होता है, बुधवार को और शनिवार को, वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है ना दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये असाइनमेंट एब्रॉड न्यूज़पेपर की एक मैंने ब्लॉग आपको कैप्चर किया हुआ है, जिसमें इसमें ऑफिस का एड्रेस नीचे दिया हुआ है, जैसे SMAX है उसका एड्रेस दिया है 411 साई चैम्बर 4th फ्लोर अपोजिट रेलवे स्टेशन सांता क्रूज ईस्ट। तो इस तरह से हर वैकेंसी का जो ब्लॉक बना हुआ है, एक पॉपअप विंडो है,
उसके नीचे आपको ऑफिस का एड्रेस दिया गया है, जिसमें भी आपको जॉब से रिलेटेड वैकेंसी मैच करता है उसके जस्ट नीचे देखिएगा ऑफिस का एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट पे फ़ोन कीजिए, फ़ोन लगाइए और उनसे बात कीजिए। रिसेप्शन में कोई भी फ़ोन उठाएगा, लेडीज़ होगी या जेंट्स होगा, है ना, उनसे बात कीजिए कि हमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। वो आपको सारी डिटेल, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी कि कब इंटरव्यू है, कब शॉर्ट लिस्टिंग है, उस हिसाब से आपको फॉलोअप लेना है ऑफिस वाले से, ठीक है ना। और जब भी बुलाते हैं आपको, आपको ऑफिस में जाना है दोस्तों, ज़्यादातर आप लोकल ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं, इसमें आपको सारी सुविधाएँ होती हैं चीप एंड बेस्ट में। आपको अंधेरी मैंने इसलिए बोला दोस्तों जोगेश्वरी, क्योंकि फाइनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 का वीडियो है, पार्ट 3 भी आपको इसी में